पीछे में जय हिंद लिखे हुए हैं, नक्शा वो बना लिए हैं, और पीछे में ये मोदी का भी टी शर्ट आप पहने हुए हैं। सबसे ये बात बताइए, ये सब चीज करने की आपको क्या जरूरत पड़ी? मोक्ष पाने की, तिरंगा का फंदा है मेरा, बस ये मान रखता हूँ। जय बागेश्वर बाबा धाम की, जय श्री राम, जय श्री राम। जगाने का प्रयास करते हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को आप अपने माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से, मीडिया आवाज को मोदी जी तक पहुंचाया जाए? और मेरा जो सपना जो है, जो हम साथ साथ से चाय बेच रहे हैं, तो मेरा एक कप चाय पिलाने का, वो आपके माध्यम से पूरा किया जाए। पूरा किया जाए। कहां से इतना देशभक्ति आया आपको, कहां से सीखे और कहां से प्रेरणा मिला? एक बात बताइए, यहां पे आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा, देश हमारा है तो क्यों नहीं बनेगा। हिंदू का देश ही है, हिंदुत्व का देश है। हिंदुत्व का देश है। हिंदुत्व का देश है, लेकिन पक्षी विपक्षी दल जो है उसको बोलने दीजिए ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के ही रहेगा, दिखा देंगे। बागेश्वर धाम है, वो दिखा देंगे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? और दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा, और अभी आप देख रहे प्रमुख भारत, और इस वक्त मौजूद है हम पटना में। और पटना में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, पंडाल देख सकते हैं, और पंडाल देख के तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं, और उसी में से एक चाय बेचने वाले व्यक्ति मिले हैं, जो कि आपको देख के बहुत यूनिक लगेगा। और सर पे जो है अपनी, मतलब कि भारत का जो नक्शा है वो बना लिए हैं, और पीछे में जो है, इधर दिखाइएगा भैया, ये देख सकते हैं पीछे में जय हिंद लिखे हुए हैं, हमें ना बहुत ज्यादा यूनिक लगा। और देख सकते हैं पीछे में डस्टबिन भी रखे हैं, और देख सकते हैं साथ में चाय बेचते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटी बचाओ। क्या सब लिखेगा, पढ़ के सुनाइएगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मुझे कसम है इस मिट्टी के, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, मोदी तो मुमकिन है। अच्छा, एक बात बताइए, और देख सकते हैं ये मोदी का भी टी शर्ट आप पहने हुए हैं। सबसे ये बात बताइए, ये सब चीज करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? सर नमस्कार, सर मेरा नाम अशोक कुमार सनी है, मैं बिहार मुजफ्फरपुर जिला वार्ड नंबर 3 बरमरा थाना का रहने वाला हूँ। और ये आत्मनिर्भर भारत का, जैसे मोदी जी का संदेश जो देते हैं, उनसे प्रेरणा मिली, आज हम अपना चाय बेच के घर परिवार बच्चे को पढ़ाते हैं, इससे हम बहुत खुश है। और जहाँ जहाँ आप आत्मनिर्भर तो बन गए, लेकिन ये सब क्या करने की जरूरत पड़ गई आपको, मतलब कि भारत का एकदम नक्शा बना लिए हैं आप सर पे, और पीछे में जय हिंद लिख लिए हैं, ये देशभक्ति का मेरा अपना जज्बा है जी, जिसको हम मेरे दिल में हमेशा, आप लोग के माध्यम से मैं कहूँगा कि ये देशभक्ति हमारे दिलों में हमेशा जगी रहे जी। एक बार, कहाँ से इतना देशभक्ति आया आपको, कहाँ से सीखे और कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? ये सब हमारे भगवान मोदी जी के, मेरा सपना है कि अपने भगवान को एक कप चाय पिलाने का, मेरे रोम रोम में मोदी जी है, आइए आत्मीयता, आइए सब, मतलब सब मोदी जी से प्रेरणा मिली, आज अपना इसे हम संतुष्ट, मतलब मोदी जी से सीखे देशभक्ति किस तरह से जगाया जाता है, किस तरह से अपने अंदर में जगाया जाता है, बाकी लोगों को भी जगाने का प्रयास करते हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को आप अपने माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से, मीडिया आवाज को मोदी जी तक पहुँचाया जाए? और मेरा जो सपना जो है, जो हम साथ साथ से चाय बेच रहे हैं, मेरा एक कप चाय पिलाने का, वो आपके माध्यम से पूरा किया जाए। और ये चाय पिलाते रहते हैं, कितना एक चाय का लेते हैं आप? 10 रुपया। 10 रुपया प्रत्येक चाय, लाल टी मतलब कि बनाते हैं? हाँ, लाल टी बनाते हैं मोदी जी, लेमन टी है जी, ये पिलाते हैं, और एक व्यक्ति से पैसा मतलब कि लेते हैं, पिलाते हैं। और यहाँ पे आप आए हैं बागेश्वर धाम, आप आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे आए हुए हैं, उसका कथा आप सुने हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम तो कल ही आप लोग के चैनल के न्यूज के माध्यम से मिला था जानकारी, तो उसके बाद हम कल ही पहुंचे हैं, और हम देखे रहे आप लोग सब, मतलब जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं उसी दिन से। और आके आपको कैसा महसूस यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लग रहा है यहाँ बहुत शांति है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं भारतवर्ष का अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ के चांदी मिट्टी का गुणगान करता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, तिरंगा का फंदा है मेरा, बस ये मान रखता हूँ। जय बागेश्वर बाबा धाम की, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे भारत माता की। और देख सकते हैं यही वो व्यक्ति हैं, और मतलब कि देश के लिए जो है अपना मतलब कि मर मिटने के लिए तैयार है। जी हाँ सर, एक बार बताइए, यहाँ पे आके आप कुछ सीखे, कुछ प्रवचन सुने आप धीरेन्द्र शास्त्री का? हाँ बिल्कुल सुने, बहुत मतलब शांति है मिली है, और जहाँ भी बाबा धाम का प्रोग्राम मिलेगा उसमें आप लोग के चैनल से माध्यम से अगर जानकारी मिलेगी तो वहाँ जरूर आएंगे। अच्छा वो बताइए, ये जो आप धीरेन्द्र शास्त्री, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा जी,
सनातन हिंदू धर्म पहले शुरू से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। बिहार में एक बात बताइए, देखिए हम राजनीतिक पे चाहे राजनेता पे हम बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात करना चाहेंगे। कुछ लोग हैं जो कि हिंदू राष्ट्र को बनने में मतलब कि तैयार नहीं है, वो बिहार को कहीं ना कहीं बोल रहे हैं गलत चीज है, ये जो ग्रहण शास्त्री कर रहे हैं, ये मोदी कर रहे हैं, वो गलत चीज कर रहे हैं। ये पूरा परिणाम 2024 में बिहार के जनता पूरे देश देखिए कि मोदी जी क्या किए, मोदी जी क्या कहे हैं। मोदी जी और जैसे कि विपक्षी दल तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं विदेश पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जय हिंद जय भारत। राजनीतिक पे हम कोई मुद्दा मतलब कि छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। बाकी यहां पे देख सकते हैं लोकल लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहां से आए हैं आप? जमुई से आप आए हुए हैं। और यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस आया है, कुछ सीखने को मिला है अभी तक? अभी हम सुबह यहाँ मतलब कि हम जब आए थे मतलब भीड़ नहीं हुआ था। अच्छा भीड़ नहीं हुआ था। क्या नाम है आप? रोशन कुमार। रोशन कुमार, हाँ। कहाँ से आप हैं? जमुई से आए हुए, जमुई जिला से। जमुई जिला से आए हुए? हम लोग एक टीम बना का है, ग्रुप बना का है। अरे टीम बना का है, आप कब आए हैं यहाँ पे? वही कल आए, कल भेंट नहीं हो पाया। अच्छा कल भेंट नहीं हो पाया, 10 बजे आए थे लेकिन जाम उम लगा था इसलिए भेंट नहीं हो पाया। मतलब रात में आप 10 बजे आए? 10 बजे प्रोग्राम समथिंग खत्म हो चुका था। जब खत्म हो चुका था तब आप पहुंचे थे यहाँ। एक बात बताइए, यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा, देश हमारा है तो क्यों नहीं बनेगा, हिंदू का देश ही है, मुस्लिम का हिंदुत्व का देश है। हिंदू का एक बात बताइए, हिंदुत्व का देश है लेकिन पक्षी विपक्षी दल जो है उसको बोलने दीजिए ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के ही रहेगा, दिखा देंगे बागेश्वर धाम है वो दिखा देंगे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं जो मतलब कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मतलब कि गलत उनको साबित कर रहे हैं? गलत साबित कौन करेगा, वो लोग कट्टरपंथी है, वो जो मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए थी जो कह रहा है ना कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, वो सब कट्टरपंथी है। अच्छा कट्टरपंथी है। और बागेश्वर बाबा से आपको सीखने को मिला? अभी तो भेंट ही नहीं हो पाया। सोशल मीडिया पर मतलब कि छाए रहते हैं बाबा जी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कुछ सीखे? और बहुत प्रेरणा मिला, बहुत से बहुत मिला। तो सनातनी धर्म होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए, भारत अखंड भी होना चाहिए, भारत अखंड भी होना चाहिए। देख सकते हैं बाकी और भी लोगों से बातचीत करने का। क्या नाम है आपका? राम बली कुमार। यहाँ पे आप कब आए हैं? कल रात में आए थे सर। कल रात में यहाँ पे आए हैं जी। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस लग रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। क्या सीखने को मिला है ग्रंथ शास्त्री से?